खबर जौनपुर से है। भाजपा प्रत्याशी एमएलसी की मतगणना में बृजेश सिंह प्रिंसू हुए विजय घोषित। समर्थकों में दिखी खुशी की लहर। एमएलसी चुनाव का मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बृजेश सिंह प्रिंसू को 3129 मत मिला, तो वहीं सपा को 772 और निर्दल भानु को 9 मत मिला है। वोट 51 अवैध पाया गया है। कुल 4031 वोटों में से 3961 मत पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू की विजय घोषित होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं भाजपा के नवनिर्वाचित एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू ने कहा कि मैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं। पार्टी के विचारों नीतियों पर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दम पर चुनाव जीता हूं। पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बदौलत यह मुकाम हासिल हो पाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। देखिए मतों की गणना पूर्ण हो गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद ही जिला निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी करते हैं। लेकिन गणना का जो परिणाम रहा, टोटल मतों में 3129 मत मुझे मिले हैं और 772 मत समाजवादी पार्टी को मिले हैं। मत अवैध है, 51 मत अवैध हैं और निर्दल को 11 मत मिले हैं। 5 साल आप रह चुके हैं, 6 साल अगला कार्यकाल मिल रहा है, उसको लेकर क्या नीतियाँ? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूँ और पार्टी के विचारों नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के बदौलत, बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे, जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता है। जीत का श्रेय किसको देते? जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी भाई बंधु जिन लोग भी इस चुनाव में लगे रहे, सबको ये जीत समर्पित है।